तसलसल को खत्म हुआ था, जहां से खत्म हुआ वहीं से करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप मौसम भाई को जानते हैं, हमारे प्रस्तार हैं वो भी, एक उनकी कॉल आ रही थी और वो लगातार कर रहे थे जिसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गई। हम वहीं से जो गीत हमने भाई के साथ, छोटे बेटे के साथ रिक्वेस्ट की थी, और मैं चाहूंगा कि उसी गीत को दोबारा से गाएं। मैं क्या कहूँ कि क्या क्या देखा है ये रोशनम में, मैं क्या कहूँ कि क्या मैं चाहूंगा कि साहिल एक गीत और गाए, उसके बाद हम कलामे मुकद्दस की तरफ अपने ध्यान को लगाएं। हालेलुया, मैं रोज ममूर हो गया। हालेलुया, Thank you.
करेंगे और खुदावन से मांगेंगे कि कदूस जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक तेरे हुजूर झुकते हैं और बाप अपनी जुबान को तेरे हाथों में देता हूँ, जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं और बाप तेरे कलाम के मुताबिक बहुत सी जिंदगियां बदलें और उनको नजात मिले और वो ये बात को जाने के तेरे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं जो हमें हमेशा की जिंदगी देगा। आए कदूस खुदावन, जो भी बोलूं तेरे कलाम के मुताबिक बोलूं, कुछ गलत ना निकले मुंह से, बल्कि जो भी हो तेरे कलाम के मुताबिक हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम पढ़ेंगे मरकुस की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 12 से 14 आयत तक। बड़ी खूबसूरत बात है और आज खुदावंद भी हमारे पास आते हैं, हमें दूर से देखते हैं, लेकिन जब हम खुदावंत को अपनी जिंदगी में वेलकम नहीं करते तो जब खुदा हमसे नफरत करे तो क्या होगा। हम निकालेंगे मरकुस की अंजील उसका 11 बाब और उसकी 12 से 14 आयत। जी बेटा साहब निकाल, टर्न आउट द पेज। यस, 12 से 11 चैप्टर और उसकी 12 से 14 आयत। साहिल बाइबल स्टडी कर रहे हैं आजकल और बड़ी खुशी की बात है, इसीलिए जब भी कलाम में बैठते हैं तो अपनी बाइबल अपने साथ रखता है। जी हम पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करूंगा खुदा के पाक कलाम से। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद इसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझे से कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। एक दफा फिर से पढ़ेंगे मिस उमर के साथ मिलकर। खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 11 बाब उसकी 12 आयत से 14 आयत तक। दूसरे दिन जब वो बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देख कर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। उसने उससे कहा, आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और इसके शागिर्दों ने सुना। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अगर आप इस उनवान को पढ़े तो इस पैराग्राफ के बारे में ऊपर लिखा है, यीशु अंजीर के दरख्त पर लानत करता है। मेरे अजीजों, आज हम लोग खुदावंद से ब्लेसिंग चाहते हैं, हमें खुदावंद से बरकत चाहिए। हर एक को बरकत चाहिए, हर कोई चाहता है। खुदावंद हमें देखता है, खुदावंद हमें देखते हैं कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी बहुत से घने पत्तों से ढके हैं। हमारे पास बहुत सा रुपया पैसा है, हम इस काबिल हैं कि हम किसी की मदद कर सके।
यहाँ पर अंजीर के दरख्त को जब भूख लगी खुदावंद यीशु मसीह के मसीह को, तो उन्होंने अंजीर के दरख्त को देखा और उन्होंने देखा भी दूर से कि उस पर पत्ते हैं। अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो यहां लिखा है, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकला तो उसे भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिस में पत्ते थे देख कर गया। खुदावंद आज हम सबको दूर से देखते हैं और कहते हैं कि शायद मेरा ये बेटा, शायद मेरी ये बेटी मेरे हुक्मों पर अमल करे और मैं इसको बरकत दूं। हम पत्तों से घिरे रहते हैं। मेरी बात आज याद रखें, यहां एक और भी बड़ी खूबसूरत बात है कि अगर किसी से बात की जाए तो वो कहेगा कि मैं देखे पास्टर साहब, आप कहते हैं कि वहां हमें खुदावंद के नाम पर मदद करनी चाहिए गरीबों की, हमें भूखे को खाना देना चाहिए, लेकिन आप इसी आयत को और इसी पैराग्राफ को पढ़े तो यहां लिखा है क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। जी मैं जानता हूं कि अंजीर का मौसम ना होते हुए भी खुदावंद उस दरख्त के पास गए कि ये दरख्त मुझे खाने को देगा, लेकिन मेरे अजीजों वो दरख्त पत्तों से ही ढका रहा। हम एक बायोलॉजिकली बात को जानते हैं कि दरख्त और पौधे और जानवर मौसम के लिहाज से तबई तब्दीली अपने अंदर पैदा कर सकते हैं, जैसा कि साइंस के बारे में साइंस में लिखा है कि कुछ मछलियां जो हजारों फीट बल्कि हजारों मील पानी के नीचे रहती हैं, वो तबई लिहाज से अपने आप को एक दफा बदलती हैं जब वो ऊपर आकर हवा से ऑक्सीजन लेती हैं और फिर हजारों फीट नीचे चली जाती, क्योंकि वो खुद को तबई लिहाज से बदलने की खुदावंद ने उनमें क्वालिटी दी है। फिर हम पौधों में एक और क्वालिटी देखते हैं, अक्सर माली क्या करते हैं, एक पौधे पर एक कट लगाते हैं, उसमें दूसरे पौधे की टहनी लगाते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा गोबर लगाकर टेप कर देते हैं। क्या होता है, एक ही पौधे में से दो पौधे चल उठते हैं। मतलब कि तबई लिहाज से खुद को तब्दील करने की कुव्वत। लेकिन यहां पर अंजीर का मौसम नहीं था, लेकिन मेरे अजीजों एक बात को आप वाजिया तौर पर जाने कि अंजीर का दरख्त जानता था कि उसकी तरफ कौन बढ़ता आता है। एक चीज को मैं जानता ही नहीं, एक चीज मुझे जानती ही नहीं, तो मैं कैसे उस पर लानत कर सकता हूं। तो इस लिहाज से यहां लिखा है, गौर से एक दफा फिर इस चीज पर गौर करें, दूसरे दिन जब वो बैतनिया से निकला, उससे निकले तो उसे भूख लगी, वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए। आज हम वो अंजीर के दरख्त ना बन जाए। हम में सब क्वालिटीज हैं, हमारे घरों में इतने पैसे होते हैं कि किसी गरीब को रोटी दे दें। चले मैं कहता हूं मौसम की तब्दीली, घर में पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, गेट नॉक हुआ, एक फकीर आया, उसने कहा बेटा मुझे भूख लगी है मुझे रोटी दे, पैसे नहीं है, घर में आटा सबके होता है। मेरे अजीजो यकीन करें, खुदावंद आपके घर में हर चीज मुहैया रखता है अगर आप पका के खाना चाहे। आटा ना, अगर आटा है तो लोग आज, हमने भी कई दफा इस तरह खाया है, ये कोई बड़ी बात नहीं। आटा अगर सब्जी नहीं है उसमें नमक मिर्च मिक्स करके एक पराठा पक जाता है, चीनी लगाकर बच्चों को रोटी बना दी जाती है, और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो की जा सकती हैं जब आपके पास पैसे नहीं और कोई मांगने वाला आपके गेट पर रोटी मांगने आता है, तो मेरे अजीजों आप उसको दे सकते हैं। यहां पर अंजीर का दरख्त के बारे में खुदावन ने कहा
के कुछ पाए और वो उसके पास जाते हैं लेकिन अंजीर का दरख्त कुछ ना दे पाया। मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ ना पाया क्योंकि अंजीर का मौसम ना था। मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत माड़ा हूं, खुदा बंदा मैं माफ कर दे। हमारे अपने बहाने, ये सच है, ये हमारे बहाने हैं खुदावंद के साथ कि खुदावंद मैं की करा, मेरे ते पल्ले कुछ नहीं, खुदावंद मैं बहुत गरीब हाँ, खुदावंद मैनू देगा तो मैं कुछ करांगा। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद आपको देता रहता है लेकिन उस ब्लेसिंग्स को रिसीव आपने खुद करना है। जब हम खुदावंद के दिए में से किसी को देते नहीं, किसी की मदद नहीं करते, तो मेरे अजीजों यहां पर जो हुआ वो एक दिन हमारे साथ भी हो सकता है। हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास कलाम लिखा है, जिसके पास दो चोगे हैं एक उसको दे दे जिसके पास नहीं है। मेरे पास हमने एक सिस्टम शुरू किया कि हमें लोग अपने पुराने कपड़े दें, पुराने जूते दें, हम गरीबों में फ्री देंगे, हमें कोई पैसा लंडे की दुकान नहीं पानी। लेकिन हमने जिन लोगों को जरूरत होती थी हम उनके पास जाते थे, उनको वो कपड़े साफ वाले निकाल देते थे और बेकार वाले हम फेंक देते थे और वो साफ कपड़े फिर किसी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे जिनको कपड़ों की जरूरत होती थी। जूते भी इसी तरह, इंक्लूडिंग दैट कि अगर किसी ने हमें कहा कि हमारे पास दो तीन पंखे हैं तो आप एक पास्टर साहब पंखा किसी गरीब को दे दें, हमने वो भी दिए। लेकिन मेरे अजीजों, ये वो चीजें हैं जो आपके पास है और आप दे सकते हो। अंजीर के दरख्त में भी उस वक्त शायद ये क्वालिटी थी कि खुदावंद को मुहैया कर पाता, उस वक्त को मैं नहीं जानता, लेकिन कलाम के मुताबिक वो खुदावंद को अंजीर पैदा करके दे सकता था, चाहे उसका मौसम नहीं था, क्योंकि वो खुदा का बेटा था। अगर वो अंजीर का दरख्त कुवत और अकल इस्तेमाल अगर कोई अंजीर का दरख्त अपने में खुदावंद से कुवत मांगता तो खुदावंद उसमें अंजीर पैदा करता, लेकिन वो दरख्त खड़ा रहा और उसने कोई हिम्मत ना की, इसलिए खुदावंद ने उससे कहा आइंदा कोई तुझसे कभी फल ना खाए। और उसके शागिर्दों ने सुना। मेरे अजीजों, जब आप सब कुछ पंजाबी कहेंगे होंदे सोंदे भी असी किसी के नाल नहीं अच्छा चलते तो असी खुदावंद कोलो असी गजब के नज़दीक हो जाने। खुदावंद साढ़े ते लानत करता है कि साढ़े तो फिर कोई दूसरा बरकत ना पाए, क्योंकि मेरे अजीजो अब आपके पास होगा ही नहीं तो आप बरकत कैसे दोगे। खुदावंद ने उस अंजीर के दरख्त से उसका फल ही छीन लिया। उस पर कभी अगर सुनने में है, मैं ये पहले कह रहा हूं, सुनने में है कि आज भी वो अंजीर के दरख्त पर कभी भी कोई फल नहीं लगा। खुदावंद यीशु मसीह या खुदा की जात जो कुवत रखती है, अगर मैं जानता हूं कि खुदा की जात मेरे पास आने को है तो मैं कुछ भी करूं तो मैं खुदावंद को मुहैया करवा सकता हूं। लेकिन उसके लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ता है। इसी तरह खुदावंद अंजीर के दरख्त के पास गया लेकिन अंजीर के दरख्त ने उसको फल ना दिया और लानत पाई। आज हमें भी खुदावंद के हुक्मों पर अमल करना है, खुदावंद की मोहब्बत को एक्सेप्ट करना है जो हमें रोज मिल रही होती है और हम परवाह नहीं करते, बल्कि हमें उस मोहब्बत के लिए खुद को तैयार करना है कि खुदावंद हमें मोहब्बत दे ना कि लानत दे। जब हमें वो मोहब्बत रिसीव होगी तो मेरे अजीजों वो हम पर बरकत देगा और हमारे फल से और भी बहुत से लोग सेर हों। इसीलिए मेरे अजीजों, हमेशा खुद को तैयार रखें अच्छे और नेक कामों के लिए। ये ना सोचें कि आपके पास है या नहीं, बल्कि ये सोचें कि खुदावंद ने आपको मौका दिया कि आप नेक काम करें और बरकत पाए। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, कदू जिंदा आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और दुआ करते हैं कि बाप हम पर तेरी मोहब्बत का साया हमेशा रहे, हम उस अंजीर के दरख्त की तरह खड़े ना रहे, बल्कि बाप तेरी तुझे आते देखकर अपनी जिंदगियों को बदल ले और तुझे
हमसे मोहब्बत की भूख है, तो हमें मोहब्बत से पालता है ताकि हम भी मोहब्बत को आगे बांट सके। ऐ जिंदा खुदावंद, हम में वो कुव्वत पैदा करके हम तेरे आने से पहले ही बरकत पा चुके हों और तेरे लिए खुद को तैयार रख सके। ऐ खुदावंद, हमारी गलती कोताहियों को मुआफ कर, हम पर कभी भी तेरी लानत ना आने पाए, बल्कि खुदावंद तेरी मोहब्बत हमारे साथ रहे। ऐ जिंदा खुदावंद, तेरी मोहब्बत से भरपूर रहे और जिंदगी बदलती जाए। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, मैं इन बच्चों के लिए, साहिल के लिए और सुनील के लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद जो तेरे लाइव मीटिंग में आज यहाँ प्रस्तुति करते हैं, जिंदा खुदावंद ये तेरे वो अंगूर का दरख्त बने कि जिंदा आसमानी बाप जिसे तू पसंद करता है, जिसकी डालियों को तू पसंद करता है, ना कि अंजीर का वो दरख्त बने जो लानत पाता है। ऐ खुदावंद, वो लोग जो तेरे कलाम के साथ चलना चाहते हैं उनकी जिंदगी में बड़े जलाली काम करना, वो खुद को तैयार करें तेरे कामों के लिए, तेरे आने से पहले ही वो खुद को तैयार करें कि हमारे खुदावंद को जिस बात की तलब है वो हम अपनी जिंदगी में लाएं। हमारे खुदावंद को तलब है कि हम मोहब्बत से जिंदगी को चलाएं। हमारे खुदावंद को तलब है कि हम में से गुरूर खत्म हो जाए, तो बाप हम ये तमाम चीजें अपने में से खत्म करें और तेरे फजल से भरते जाएं। ऐ बाप, अपना गजब वाला हाथ हम पर कभी ना रखना, हमें हमारी कोताहियों से मुआफ करता है तो तेरा शुक्र अदा कर ले। जिंदा खुदावंद, जिन बहन भाइयों की प्रेयर की अपील है खुदावंद, उनकी तमाम मसले मसाइलों को यीशु के नाम से खत्म कर। इसी तरह जिंदा आसमानी बाप, बेटा इमैनुअल के लिए दुआ करते हैं जो दुबई में है, कोरोना वायरस का उन्होंने टेस्ट करवाया, बाप वो नेगेटिव हो और वो बेटा बचा रहे, उसकी जॉब बची रहे। इसी तरह जो लोग बैरून मुल्क में है, जॉब्स करते हैं, खुदावंद तमाम बीमारियों से बचा के रखना। जो लोग हमारे साथ चर्च की तामीर में हमारी मदद करना चाहते हैं, बाप उनके दिलों को खोल के वो हमारे साथ मिलकर चर्च की तामीर में हिस्सा डालें। और बाप जो लोग हमारे साथ मिलकर तेरी प्रस्तुति और हमद करते हैं, बाप उनके घरानों में बड़े जलाली काम करना। और जिन लोगों की दुआओं की अपील है बाप, वो तेरे हजूर उनकी दुआओं की टोकरी रखता हूँ। बेऔलादी, बेरोजगारी, लड़ाई झगड़े, खानदानों की नाइंसाफी, हर किस्म के बीमारी वबा को, गंदी लानती तस्वीरों को मसीह यीशु के नाम से दूर करते हैं। अरे जिंदा खुदावंद, अपने लश्कर के साथ आ और तमाम बीमारियों को खत्म कर, तमाम लानती तस्वीरों को खत्म कर, खुद को तेरे हाथों में देता हूँ बाप, सर से लेके पांव तक छू और ब्लेस कर, तमाम लानती वबाओं मुसीबतों से बचा के रखा, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आने वाले वक्त में भी बचा के रखना, तेरा शुक्र अदा करता हूँ। खुद के लिए, अपनी मिसिस के लिए दुआ करता हूँ, खुदावंद जिस मकसद को लेकर चले हैं उस मकसद को पूरा करने में हमारे साथ रह, हमारी निगहबानी और हिफाजत करना, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, अपनी दुआओं में याद रखें, खुदावंद के फजल से आज हमारे चर्च की सीढ़ी भी लग गई है। और इसी तरह जैसे आप जानते हैं, स्टेप्स होते हैं काम के, वो होते जा रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखें कि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है खुदावंद हमें मुहैया करें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में, आमीन। खुदावंद आप सब